गुर्जर समुदाय के लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और पुलिस के टीम के ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि तेजधार हथियार भी ये लोग लेकर आ गए थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये फायर किए हुए इन्होंने, क्या क्या हम नहीं पूछ सकते? हमारे बच्चे घरों से बेघर हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई इन्फॉर्म नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। गुर्जर समुदाय के लोगों ने लखनपुर में पुलिस की टीम पर जब वो गश्त कर रहे थे तो उनके ऊपर हमला किया है और हम कुछ तस्वीरें वहाँ की आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये जो गश्त की जा रही थी, पुलिस को जानकारी मिली थी कि वहाँ पर एक मगर खड्ड है, उसके आसपास के एरिया में पशु जो हैं, पशु तस्कर जो हैं, उनकी आवाजाही थोड़ी बढ़ गई है। तो उसके बाद पुलिस जो थी वो सुबह सुबह गश्त करने के लिए वहाँ पर गई, तो वहाँ पर गुर्जर समुदाय के लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और पुलिस के टीम के ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि तेजधार हथियार भी ये लोग लेकर आ गए थे। लाठीचार्ज इन्होंने किया, लाठियों से हमला किया पुलिस के ऊपर। उसके बाद पुलिस भागकर अपनी जान बचाई, हवा में फायरिंग की, दो फायर किए हैं और उसके बाद पुलिस ने अपनी जान बचाई है। कुछ तस्वीरें वहाँ की हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जानकारी भी देंगे कि आखिर मामला था क्या। इसमें दोनों पार्टियां जो हैं, पुलिस भी और गुर्जर समुदाय के लोग भी, ये कहते हुए मिल रहे हैं। पुलिस ये कहती है कि गुर्जर समुदाय के लोगों ने हम पर हमला किया था और गुर्जर समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की टीम ने उनके ऊपर हमला किया। तो विस्तार से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लखनपुर मगर खड्ड के समीप रविवार को सुबह गश्त कर रही पुलिस टीम पर गुर्जर समुदाय के लोगों ने लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस कर्मचारियों ने हवा में फायरिंग कर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार ये मगर खड्ड क्षेत्र हमेशा से पशु तस्करों का गढ़ रहा है। पुलिस को पशु तस्करों की आवाजाही की सूचना मिलने पर पुलिस दल जाँच कर रहा था। जैसे ही पुलिस दल गुर्जर बस्ती की तरफ बढ़ा तो वहां गुर्जर समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव और लाठियों से हमला शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए पुलिस कर्मचारियों ने जवाबी कार्रवाई में दो राउंड फायर किए। पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। जब सुबह पुलिस टीम तलाशी कर रही थी तो उस दौरान गुर्जर समुदाय के लोगों की भीड़ में शामिल मोहम्मद शरीफ पुत्र लाल हुसैन और साधु पुत्र मिंदु निवासी मगरखड़ के साथ अन्य आपराधिक मंशा वाले व्यक्तियों के साथ हथियारों, लाठियों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ को तित्र बित्र करने के लिए पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा के लिए हवा में दो राउंड फायर किए और अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस टीम ने मोहम्मद शरीफ पुत्र लाल हुसैन निवासी मगरखड़ तहसील और जिला कठुआ को हिरासत में ले लिया। मौके पर हथियार टोके भी बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही पुलिस दल ने जांच कर रहे क्षेत्र से दो दर्जन से अधिक मवेशियों को मुक्त करवाया था, लेकिन उसके बाद गुर्जर समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस की ही पार्टी पर आरोप लगाए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वो लोग। ये फायर किए हुए इन्होंने, क्या क्या हम नहीं पूछ सकते? हमारे बच्चे घरों से बेघर हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों आई थी पुलिस? हमें पता ही नहीं है, दो बार पहले आए, हमने पूछने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज 5:30 बजे पुलिस आती है। यार यहाँ पे सिस्टम है, सरपंच है, SP साहब हमें बुलाए, हम चेयरमैन है, यहाँ के मेंबर साहब है, कानून है, हम कानून से नहीं भागते। अगर किसी के ऊपर FIR है, हम एग्री है उनके साथ। अगर कोई बंदा क्राइम करता है तो उसको पकड़ो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसे फायर करना,
ऐसे ये माहौल को डिस्टर्ब करना आके और धार्मिक सिस्टम और नमाज का बच्चे भागे, नमाजी भागे, सिस्टम खराब हो गया, बच्चे सारे घरों को छोड़ के भागे, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, कहीं को पता नहीं, एक लड़के को इतना मारा, को भी नहीं अच्छा अभी कुछ बच्चों का पता नहीं चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे उनका पता नहीं चल रहा है। एक बार साली लड़की तो मिली जो 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 लड़कियां उस लड़की को छुड़ाने जाती थी, इसका पति था वो दिहाड़ीदार है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसकी डिटेल चेक करो, आज तक कोई FIR नहीं है उसके ऊपर, कोई कुछ नहीं है। तो हम विनती करते हैं, कौन था जिसको पकड़ के ले गए, क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ था लड़का जी। और उसको बिल्कुल बेकसूर तरीके से लेके गए हैं वो, और इतना मारा है, शायद ही हमने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा हादसा ना देखा हो। और हमारे साथ, हमारे इन बुजुर्गों के साथ, इन बच्चों के साथ, इन माओं के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं आया, मैंने उनको बोला यार मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, वो हमें भी मारना शुरू कर दिया उन्होंने, हमारे ऊपर भी आ पड़े। तो ये हम इंसाफ चाहते हैं, अगर हमारे साथ आके कोई डाग नहीं करेगा, हम नेशनल हाईवे ब्लॉक करें, बंद कर दें, हम अपनी पैसों को भी लेके, आप अपने, हमारे पास। ये मामला काफी संवेदनशील है और पशु तस्करी का जब भी मामला सामने आता है तो लोगों को लगता है ये कोई साधारण मामला है, साधारण सी बात है, लेकिन इसमें जैसे ही पुलिस या लोग भी कई बार प्रयास करते हैं कि पशु तस्करी को रोका जाए, तो उनके ऊपर हमले करने वाले जो लोग हैं, वो जो पशु तस्कर हैं, वो इस तरह से हमला करते हैं कि जैसे उन्होंने पूरी रणनीति पहले से ही तैयार की हो, वो पूरी तैयारी के साथ चल रहे होते हैं और जैसे ही उनको रोकने का प्रयास किया जाता है तो हमला कर दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है जहाँ पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया हो, पुलिस पर हमला हुआ हो। इसके पहले हमने बनटोल प्लाजा से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ पर भी हमला हुआ था। इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी इस तरह का देखा गया कि जब भी गुज्जर समुदाय के लोगों को रोकने का प्रयत्न किया गया या उनको समझाने की कोशिश की गई तो इन लोगों ने हमला किया है। तो इन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए हमें लगता है कि इसके ऊपर सख्ती के साथ पेश आना पड़ेगा, कुछ नई रणनीतियाँ, कुछ नई पॉलिसीज़ जो हैं वो बनानी होगी। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।